बाल हमेशा से ही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहे हैं, चाहे वो लुक्स की बात हो या कॉन्फिडेंस की बात हो। बट आजकल पॉल्यूशन, हेयर प्रोडक्ट्स, जेनेटिक और अधिक कारणों के वजह से हमारे बाल टूटना स्टार्ट हो गए हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। क्या क्या रीजंस होते हैं हेयर फॉल के, हम उससे कैसे बच सकते हैं, हमें अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हेयर फॉल ना हो फ्यूचर में। और जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे जो नॉर्मल हेयर फॉल के जो रीजंस होते हैं, जैसे कि शैम्पू का यूज़ करना, पॉल्यूशन और जो बाकी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे जो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है हेयर फॉल का, हम उससे कैसे बच सकते हैं, हमें अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हमें फ्यूचर में हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। योगा के अनेक फ़ायदे हैं हमारी लाइफ में अगर हम इसको डेली परफॉर्म करें तो। ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे बालों को टूटने से बचाता है और उनको रीग्रो भी करता है। बालों के टूटने का मेन कारण है आपके ब्लड फ्लो का स्कैल्प तक नहीं पहुंचना। आज का जो पहला आसन है वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में हमें अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करना है शोल्डर की हेल्प से, और ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आपको बाल रिग्रो करने हैं। और आप इस आसन को करते टाइम देखेंगे कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो पैरों की तरफ से आपके स्कैल्प की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट आसन शशांक आसन से रिलेटेड है। इस आसन में आपको इनहेल करते हुए अपने फेस को नीचे की तरफ लेके आना है, फिर उसे होल्ड करना है, देन होल्ड करने के बाद आपको ऊपर की तरफ आना है और एक्सहेल करना है। नेक्स्ट आसन है अधोमुख सवान आसन। आपको इस पोजीशन में रहना है, इस पोजीशन को डॉग पोजीशन भी बोलते हैं, और आप पाएंगे कि आपका जो ब्लड है वो आपके स्कैल्प और फेस की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है बालायाम। बालायाम में हमें क्या करना है, जो दोनों हाथ हैं उन दोनों हाथों के नेल्स को रब करना है। जो नेल जहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ वाइट कलर का एरिया होता है, हमें दूसरे हाथ के नेल से उस वाइट कलर के एरिया में रब करना है, लाइक दिस। आप देख लीजिए एक बार अच्छी तरह, इस एरिया में जहाँ से नेल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये हमें दिन में दो बार करना है, और एक बार करना है मॉर्निंग में खाली पेट, और एक बार शाम के टाइम पे करना है। और ये हमारे बालों को रीग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। करी लीव्स बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे बालों के लिए। हमें रोज़ सुबह उठ के 5 करी लीव्स को खाना है। हमें 3 से 4 मिनट तक करी लीव्स को अपने दांतों में च्यू करना है, उसके बाद उसे सॉलो करना है। हमें बायोटिन रिच फूड को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना है, जैसे कि मशरूम, बादाम, स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, होल एग, काजू और हेल्दी फूड्स को इंक्लूड करना है। हमें प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए क्योंकि हमारे बाल केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि दूध, पनीर, चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है लीन प्रोटीन का। हम अंडे खा सकते हैं, हम वे प्रोटीन पी सकते हैं। आपको डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप रनिंग कर सकते हैं, आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमें बालों का बहुत अच्छे से केयर करना है। हमें वीक में 3 बार बाल धुलने हैं, 2 बार हमें माइल्ड शैम्पू से बाल धुलने हैं, और जो थर्ड टाइम होगा हमें एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बाल धुलने हैं। हमें बालों में तेल ला के नहीं रखना है बहुत ज़्यादा देर तक, हमें खाली 1 घंटे तक बालों में तेल ला के रखना है, उसके बाद बालों को धुलना है। यहाँ पे एक होम रेमेडी है जिसमें मैंने इक्वल अमाउंट में कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल का प्रयोग किया है। आप इसको वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेट डेज़ पे। वीक में आप जब थर्ड टाइम बाल धुलेंगे तो 45 मिनट्स पहले आपको 2 अंडों का एग वाइट्स, उसमें आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल को मिक्स करके लगाना है।
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इस टॉपिक को दो पार्ट्स में कवर करूँगा, सो मैं जो सेकंड पार्ट है मैं उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आप जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की, आप उससे कैसे बच सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए।